आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय और बहुत ही रोचक अध्याय जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में एक ऐसे इंसान का जिक्र हुआ है जो कि एक वैज्ञानिक था, और वैज्ञानिक के अतिरिक्त वह सनकी भी था। उसके द्वारा बहुत सी ऐसी असाधारण घटनाएं घटित हुई हैं जो उसके द्वारा भी हुई हैं और जो उसके ऊपर भी हुई हैं। इन सब चीज़ों का वर्णन आप लोग इसमें सुनेंगे। ये जो वीडियो है स्पेशल एनिमेटेड की गई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है, वो चाहे शॉर्ट प्रश्नों और चाहे लॉन्ग प्रश्नों, सभी प्रश्नों को इसमें रखा गया है। और इससे बाहर कोई प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ये हमारी गारंटी है। यदि आप इन पूरे प्रश्नों को सीख लेते हैं तो आपका बोर्ड परीक्षाओं में इस अध्याय से कोई भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। सबसे पहले हम इसकी समरी की बात कर लेते हैं 2 मिनट। समरी में मैं आपको बताऊं तो ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था जिसने कि किसी भी प्रकार से आविष्कारों के द्वारा कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज की, और वह दुर्लभ जड़ी बूटियां ऐसी थीं कि उनको निगलने के बाद में ग्रिफिन पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। क्योंकि वह एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने अपने मकान मालिक के यहाँ आग लगा दी जहां पर रहता था, वहां से भाग निकला। तो कुछ बच्चों ने उसके पैरों के पदचिन्ह को देखा, मतलब वो भाग निकला था तो अपने कपड़ों को उतार कर, क्योंकि वो अदृश्य था, कपड़े पहन लेता था तो दृश्य होता था, कपड़े उतारता था तो अदृश्य होता था। तो कपड़े उतार के जब भाग निकला तो कुछ बच्चों ने, या फिर 2 बच्चों ने, उनके पैरों के पदचिन्ह देखी गीली मिट्टी में। वो आश्चर्यचकित थे कि ऐसा क्यों, कैसे हो रहा है। यहाँ से उसकी कहानी चालू हो जाती है। इसके बाद में वो बच्चों से बचने के उद्देश्य से लंदन के एक स्टोर में घुस जाता है। वहाँ जाने के बाद में बिना पैसे खर्च किए हुए वो कपड़े भी पहनता है, ये जो पट्टियाँ वगैरह देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इनमें से कुछ कपड़े उसने लंदन स्टोर में भी पहने थे। इसके बाद में लंदन स्टोर जब सुबह खुला तो डर के वजह से भागा। ऐसी बहुत सी घटनाएं थीं। आईपिंग गांव पहुंचा, आईपिंग गांव में भी उसने इस तरह की कुछ समस्याएं पैदा की, अपने मकान मालिक से लड़ा। इसके बाद में वो पादरी के घर में उसने चोरी भी की, और वहाँ पुलिस वालों से लड़ता हुआ वह वहाँ से भी भाग जाता है। मतलब इसकी कहानी बहुत ही रोचक है, और यदि आपने अध्याय नहीं पढ़ा है या फिर आपको पढ़ाया नहीं गया है तो पूरे अध्याय की समरी को एक एक लाइन और एक एक शब्दों के साथ में हमारे इसी चैनल में समझाया जाएगा। आप उन वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन आज का ये टॉपिक जो है वो हम बात करते हैं प्रश्नोत्तरों की। तो सबसे पहला प्रश्नोत्तर आपके सामने आ जाता है ये वाला, हु वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन था, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, और ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था। तो देखिए उत्तर है इसका, ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। देखिए साधारण आदमी खोज नहीं कर पाता है, लेकिन ग्रिफिन ने एक ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज की जिसको खाने के बाद में मानव शरीर को आदर्श बनाया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ठीक है। लेकिन और भी कुछ गुण थे इसमें। एज विल एज ए लॉलेस पर्सन, इसके बावजूद वह कैसा था, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। मतलब वैज्ञानिक तो था लेकिन वह कानून तोड़ने वाला व्यक्ति भी था। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में कुछ प्रश्नों की गलत नंबरिंग पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रश्नों से मतलब है। अगला प्रश्न है, हु वाज गेजिंग एट दीज फुटप्रिंट्स एंड वेयर वेयर द स्टेप्स, मतलब इनके जो फुटप्रिंट्स थे उनको कौन घूर रहा था, एंड वेयर वेयर द स्टेप्स, और ये स्टेप्स कहाँ थे। तो इसके जो फुटप्रिंट्स थे, मतलब ये जब भागा था वहां से, तो इसके पदचिन्ह को 2 लड़कों ने देखा था। तो टू बॉयज वेयर गेजिंग द फुट स्टेप्स, तो जो 2 बच्चे थे वे इनके पैरों के पदचिन्हों को घूर रहे थे। ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, एक घर की सीढ़ियों पर ये पदचिन्हों को घूरे जा रहे थे। व्हाट सरप्राइज्ड द टू बॉयज, जो 2 बॉय थे, ये 2 लड़के थे, उनका सबसे बड़ा आश्चर्य क्या था, ए पेयर ऑफ ट्रेवलिंग फुटप्रिंट्स,
ए पेयर माने एक जोड़ा, और ट्रेवलिंग यात्रा करता हुआ, मतलब एक जोड़ा जो यात्रा कर रहा था फुटप्रिंट्स माने पदचिन्हों का, विदाउट एन एक्चुअल पर्सन मतलब वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं था लेकिन फिर भी पैरों का एक जोड़ा वो लगातार ट्रैवलिंग माने यात्रा कर रहा था, मेकिंग देम सरप्राइज द बॉय, इन्हीं चीज़ों ने उन बच्चों को आश्चर्य में डाल दिया। अब पदचिन्ह कैसे थे आप देख लीजिएगा। अब मान के चलिए कि ये पदचिन्ह है, यहाँ पर कोई व्यक्ति ना दिखे लेकिन ये लगातार निशान आपको भी देखने को मिले तो यहाँ पर आप भी आश्चर्य कर जाएंगे। ये देखिए पैरों के निशान लगातार दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नामो निशान नहीं, ये लगातार चिन्हों को देखा जा रहा है। तो ये पद चिन्हों को देखकर ये जो बच्चे थे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। थोड़ा सा क्रम आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, मतलब जो अदृश्य व्यक्ति था हाउ डिड द इनविजिबल मैन जो अदृश्य व्यक्ति था फर्स्ट बिकम विजिबल, वो पहली बार कब दृश्य हुआ, मतलब जो अदृश्य व्यक्ति था उसे पहली बार कब कपड़ों में देखा गया। ही बिकम विजिबल, वह विजिबल हो गया व्हेन ही ड्रेस्ड विथ वार्म क्लॉथ, जब उसने गर्म कपड़े पहने, एन ओवर कोट एक ओवर कोट पहना, शूज पहने एंड वाइड ब्रेमेड हैट और एक गोल टोपी लगाई, इनसाइड द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर के अंदर जब उसने इतना सब कुछ किया तब ये विजिबल पर्सन हो गया। तो लंदन स्टोर एक ऐसे मॉल कह सकते हो, एक ऐसी जगह कह सकते हो जहाँ पर इसने अपने आप को प्रवेश करा लिया था उन बच्चों से बचने के लिए भागते हुए, या फिर कह सकते हैं कि बच्चों ने जब इनका पीछा छोड़ दिया था तो इसने शाम की ठंड से बचने के लिए किसी स्टोर में प्रवेश करा लिया था। स्टोर के अंतर्गत सारी सुविधाएं थी, उसने गर्म कपड़े भी पहने, कोट भी पहना और टोपी भी लगाई, ये सब चीज़ें इसने की थी। इस तरह ये पहन के एक दृश्य पर्सन बन गया था। लेकिन देखिए इसके मुंह को हम नहीं देख सकते थे क्योंकि वहाँ पर गर्दन से ऊपर के भाग को ढकने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। आप देख पा रहे होंगे तो टोपी लगा हुआ व्यक्ति तो है लेकिन वहाँ पर कोई चेहरा नहीं है, बाकी पूरा शरीर इसका दिखाई दे रहा है क्योंकि जहाँ तक इसने पहन लिया तहाँ तक की चीज़ों को हम देख सकते हैं लेकिन जिस जगह पर कपड़े नहीं थे वह जगह दिखाई नहीं दे रही थी। अगला प्रश्न है, वाई वाज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स, मतलब वह जो भटक रहा था क्यों भटक रहा था, इसका कारण क्या है। तो आप इसके कारण समझ सकते हैं कि वह अदृश्य हो गया था। वंस वन एक बार, ही सेट फायर एक बार उसने आग लगा दी टू द लैंडलॉर्ड हाउस अपने मकान मालिक के घर में। स्टार्टिंग पॉइंट में ही जब अध्याय की शुरुआत होती है तभी बताया जाता है कि जब वह गोली को निगल लेता है और अदृश्य हो जाता है, इसके बाद में वो किसी कारण से अपने मकान मालिक के घर में आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद में दो वाय वाली घटनाएं होती हैं कि दो बच्चे उसके पदचिन्हों को देखते हैं। तो इसको फिर से देखिएगा उत्तर को, वंस वन एक बार ही सेट फायर उसने आग लगा दी टू द लैंडलॉर्ड हाउस अपने मकान मालिक के घर में, टू एस्केप बचने के लिए ही रिमूव्ड हिज क्लॉथ उसने अपने कपड़ों को उतार दिए। बीकम इनविजिबल इस प्रकार अदृश्य हो गया, दस ही बीकम होमलेस इस प्रकार वो घर रहित हो गया था, एंड वाज वंडरिंग द स्ट्रीट्स और इस प्रकार लगातार गलियों में भटक रहा था, और कहाँ पर, ऑफ लंदन लंदन की गलियों में लगातार भटक रहा था। फिर से देखिएगा, वंस वन एक बार ही सेट फायर उसने आग लगा दी टू द लैंडलॉर्ड हाउस अपने मकान मालिक के घर में, टू एस्केप मैंने बचने के लिए ही रिमूव्ड हिज क्लॉथ उसने अपने कपड़े उतार दिए, बीकम इनविजिबल और अदृश्य हो गया, दस पर इस प्रकार ही बीकम होमलेस इस प्रकार वो घर रहित हो गया था, एंड वाज वंडरिंग द स्ट्रीट और सड़कों में भटकने लगा था, ऑफ लंदन माने लंदन की। उम्मीद करते हैं प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, ये बोर्ड परीक्षाओं में देखिए प्रश्न पूछा गया है, पिछले वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं में 2023 के सेट नंबर DL में ये पूछा गया है, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल, हाउ
हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल, ग्रिफिन ने अपने आप को अदृश्य कैसे बनाया। तो ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल, ग्रिफिन ने अदृश्य बनाया बाई सालोइंग। सालोइंग का मतलब होता है निगलना। ग्रिफिन बिकम इनविजिबल बाई सालोइंग सर्टेन रेज ड्रग्स, उसने कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों का सेवन कर लिया था या कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां निगल ली थी, इस कारण से उसने अपने शरीर को अदृश्य बना लिया था। देखिए आप देख पा रहे होंगे एक चित्र दिया हुआ है, ये शीशे की तरह पारदर्शी है, ठीक है, और ये सभी चीज़ों को देख सकता है लेकिन इसको कोई नहीं देख सकता है। इस तरह कुछ ग्रिफिन के साथ हुआ था। व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकॉर्ड इन द स्टडी, मतलब कौन सी एक असाधारण घटना स्टडी रूम में हुई थी। जो पादरी के बारे में आपने चैप्टर में सुना होगा कि एक पादरी थे, क्लर्जी मैन थे, उनके घर में रात में पैसों के खनकने की आवाज़ सुनाई दी, दराज के आगे पीछे आने की आवाज़ सुनाई दी, तो ये लोग जग गए और जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। पर्दे के पीछे देखते हैं, खिड़की के आसपास देखते हैं, दरवाजे के पीछे देखते हैं, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी दराज खुला थी, तो यह एक असाधारण घटना थी। ये आपका पादरी का घर है। वंस अर्ली मॉर्निंग, एक बार जल्दी सुबह, द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी, मतलब क्लर्जी मैन माने पादरी, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी वूक अप, माने जग गए, हियरिंग सम अनयूजुअल साउंड, एक असाधारण आवाज़ को सुनकर, इन दियर स्टडी, अपने स्टडी रूम से कुछ असाधारण आवाज़ को सुनकर वो जग जाते हैं। दे कम टू द स्टडी, वो स्टडी रूम की ओर पहुँचते हैं, बट फाउंड नो वन देयर, लेकिन वहाँ पर वो किसी भी को भी नहीं देखते हैं। बट माई, लेकिन द डेस्क वाज ओपन, लेकिन फिर भी डेस्क ओपन थी, एंड द मनी देयर वाज गॉन, और धन वहाँ से गायब था। एक क्लर्जी मैन के साथ घटने वाली घटना है। व्हाई वी आर टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज, ये प्रश्न शुरुआत में हो गए, फिर से देख सकते हैं कि दो बॉयज जो थे लंदन में वो सरप्राइज क्यों थे। द टू बॉयज लंदन वेयर सरप्राइज, दो बच्चे जो लंदन के थे वो सरप्राइज थे। व्हेन दे कुड सी, जब उन्होंने देखा, फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, ताज़ा मिट्टी का पदचिन्ह, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पैरों के ताजे पदचिन्ह देखे, विदाउट बेयर फुटेड मैन, बिना किसी व्यक्ति के, तो वह आश्चर्यचकित हो गए। इसका एक और भी उत्तर है, ए पेयर ऑफ ट्रेवलिंग फुट मार्क्स, एक जोड़ा जो पदचिन्हों का ट्रेवल कर रहा था, विदाउट एन एक्चुअल पर्सन, वास्तव में बिना किसी व्यक्ति का, मेकिंग देम, उसने उन्हें बनाया, सरप्राइज द बॉयज, मतलब उन सब चीज़ों ने उन बच्चों को आश्चर्य में डाल दिया। तो ये दो में से कोई भी उत्तर आप इसमें लिख सकते हैं। पदचिन्ह भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार पदचिन्ह लगातार आगे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह एक कैसा था, अदृश्य व्यक्ति था, इसलिए वो दोनों बच्चे उसका पीछा करने लगे। अगला प्रश्न है, हाउ डिड ग्रिफिन एंजॉय द लंदन स्टोर, ग्रिफिन ने जब अपने आप को लंदन स्टोर में प्रवेश करा लिया था तो उसने क्या क्या वहाँ पर एंजॉय किया। तो आपने यदि पाठ को पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि जब वह शाम को टहलते हुए लंदन स्टोर के पास पहुँचता है तो सोचता है कि यदि मैं अपने आप को इसमें प्रवेश करा लूँ तो मुझे यहाँ पर कपड़े और खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये आपका बोर्ड परीक्षा में 2023 DI सेट में आया हुआ प्रश्न है ये। तो उसने सोचा कि अगर प्रवेश करा लेता हूँ तो मुझे बिना पैसे खर्च किए कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, इसलिए जैसे ही बंद होने वाला था लंदन स्टोर वैसे अपने आप को इसने उसमें घुसा दिया, और इसके बाद में उसने ठंडा मांस खाया, कॉफ़ी पी, खाना खाया, शराब पिया, ठीक है, और लास्ट में जब अपने आप को फुली ड्रेस्ड करने के बाद में सब कुछ खा पी लेता है तो फिर ये अपना एक रजाइयों के ढेर में लेट जाता है, इसको नींद आ जाती है, सो जाता है, सुबह देर से जगता है। जब इसके कर्मचारी आ जाते हैं, कर्मचारी इसको देखते हैं और ये कर्मचारी को देखता है, तो ये घबरा जाता है और घबरा कर वहाँ से भागने लगता है, और इस प्रकार कर्मचारी भी इसका पीछा करते हैं। तो ये कुछ कहानी थी इस प्रश्न को लेकर। तो हम इसका उत्तर बताते हैं, ही एंटर्ड इन टू ए बिग लंदन स्टोर, उसने अपने आप को एक बड़े लंदन स्टोर में प्रवेश करा दिया, यह प्रवेश हो गया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स,
उसने बॉक्सेस को तोड़ा और रैपर्स को फाड़ा। ही पुट ऑन वार्म क्लॉथ, उसने गर्म कपड़े पहने, शूज एंड हेड, जूते पहने और टोपी लगाई। ही एट कोल्ड मीट, उसने ठंडा मांस खाया, एंड मच मोर, और बहुत कुछ खाया पिया। बहुत कुछ में हमने लिखा नहीं है कि उसने चाय पी, कॉफ़ी पी, दारू पिया, क्या क्या पिया। और मच मोर में मतलब ये हो गया सब कुछ उसने खाया पिया जो कुछ भी उससे वहाँ मिला। देन ही स्लेप्ट एंड क्वाइट्स, तब वो रजाइयों के ढेर में सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द सर्वेंट ओपन द स्टोर, जब वहाँ के कर्मचारी उस स्टोर को ओपन करते हैं तो ही पैनिक्ड, तो वह घबरा जाता है एंड रन अवे, और वहाँ से भागने लगता है। तो ये कुछ इसका प्रश्न का उत्तर था। प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी आने की पूरी संभावना है इसकी, तो ध्यान से देखिएगा। अगला है, व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर, ग्रिफिन ने क्यों विचार बनाया कि वह बड़े लंदन स्टोर में प्रवेश करा ले। व्हाट डिड ही डू इनसाइड द स्टोर, और उसने अपने आप को उसमें कैसे प्रवेश कराया। नहीं, व्हाट डिड ही डू इनसाइड द स्टोर, क्या उसने अपने आप को, या फिर उसने अपने आप को क्या उसमें प्रवेश करा लिया था, तो ये इसमें बताना है। तो ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर, और ग्रिफिन ने निर्णय लिया कि वह अपने आप को एक बड़े लंदन स्टोर में प्रवेश करा ले, बिकॉज में क्योंकि द सीजन वाज मिड विंटर, जो मौसम था वो मध्य सर्दी का था। ड्यू टू विच इट, इस कारण से बिकम डिफिकल्ट, बहुत समस्या हो रही थी। टू वंडर माने भटकने में, अराउंड विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के लंदन में भटकने में बहुत समस्या हो रही थी, क्योंकि वह जो समय था वो मध्य सर्दियों का था। लंदन में, फिर से देखिएगा, ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर बिकॉज द सीजन वाज मिड विंटर, उसने अपने आप को लंदन स्टोर में प्रवेश कराने का निश्चय किया था क्योंकि वह मध्य सर्दियों का समय था। ड्यू टू विच इट बिकम, इस कारण से बिकम डिफिकल्ट, बहुत समस्याएं हो रही थी। टू वंडर माने भटकने में, अराउंड विदाउट क्लोथ्स इन लंदन, बिना कपड़ों के भटकने में लंदन में बहुत समस्याएं हो रही थी। तो ये था इसका उत्तर, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला है, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसिज हाल, ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ही हाउ डिड ग्रिफिन सेव, ग्रिफिन ने अपने आप को कैसे बचा लिया फ्रॉम मिसिज हाल से, तो ये है, ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेज, उसने अपने पट्टियाँ निकाल कर फेंक दी, स्पेक्टिकल्स चश्मे निकाल कर फेंक दिए, एंड बिकम इनविजिबल, और अदृश्य हो जाता है। ही हिट एवरी वन, वह प्रत्येक व्यक्ति को पीटता है, एंड एस्केप्ड फ्रॉम देयर, और वहाँ से भाग जाता है। फिर से देखिएगा, ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेज, उसने सभी पट्टियों को उतार कर फेंक दिया, स्पेक्टिकल्स चश्मों को फेंक दिया, एंड बिकम इनविजिबल, और अदृश्य हो गया। ही हिट एवरी वन, उसने प्रत्येक व्यक्तियों को पीटा या मारा, एंड एस्केप्ड फ्रॉम देयर, और वहाँ से भाग जाता है। अगला है, व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली, मतलब ग्रिफिन ने ये अचानक क्यों अपने कपड़े उतार दिए थे, क्यों उतार के निकल गया था, ये सारी चीज़ें इस प्रश्न में, ये भी 2023 DL सेट में आया हुआ प्रश्न है। तो ग्रिफिन वाज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड, ग्रिफिन बहुत अधिक संदेह में था, ऑफ हैविंग ए हैंड, इसका हाथ है, इन द बर्गलरी माने चोरी के केस में, एट द क्लर्जी मैन होम, मतलब जब चोरी हुई थी उस समय देखा गया था कि इसका जो घर है, इसका जो कमरा है वह बिल्कुल ओपन खुला हुआ है, उसमें पट्टियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, तो लोगों को संदेह हुआ था आखिर हुआ क्या है, और क्लर्जी मैन के यहाँ भी संदेह हो गया था कि लगता है कि इस चोरी में किसी भी प्रकार से इस वैज्ञानिक का हाथ है, वो लोग भी ऐसा सोच के बैठे थे। वेन मिसेज हाल क्वेश्चन, जब मिसेज हाल ने प्रश्न उत्तर चालू कर दिए, मतलब उससे सवाल जवाब करने लगी, ओन हिज स्ट्रेंज हैपनिंग इन हिज रूम, उसके इस स्ट्रेंज का मतलब क्या कह सकते हैं, स्ट्रेंज का मतलब है असाधारण तरीके से उस कमरे में प्रवेश कराना, क्योंकि यदि आपने पाठ पढ़ा तो आपको पता होगा कि उसी कमरे में कोई नहीं था जिस कमरे से ग्रिफिन प्रस्तुत हुआ था, मतलब
खाली कमरा देखकर मिसिज हाल उस कमरे का निरीक्षण कराई थी। वहां पर ग्रिफिन नहीं था तो कमरे को बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी ग्रिफिन उसी कमरे से बाहर निकलता है, जो कि एक सस्पेंशन वाली घटना थी। तो ये सब चीज़ें देखकर जब मिसेज हाल उससे प्रश्न करती है तो वह घबरा जाता है, क्योंकि अब उसका चोरी का भेद खुल सकता था, उसका रहस्य खुल सकता था। इसलिए उसने क्या किया, ही थ्री ऑफ हिज बैंडेज, इसलिए उसने अपनी बैंडेज फेंक दी, विस्कर्स गलमुच्छे फेंक दिए, स्पेक्टिकल्स चश्मे फेंक दिए, एंड फाल्स नोज और नकली नाक को फेंक दिया, और दोबारा वो अदृश्य होकर फिर से भाग जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन, जो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल ढंग से समझाए गए हैं। तो आपको कैसा लगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें दी गई सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो, तो कम से कम एक बार इस वीडियो को लाइक करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, यदि आपको लगे कि चैनल महत्वपूर्ण है और इसमें आप और आपके छोटे भाई बहन या फिर आपके मित्र सीख सकते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर करें कि आप कौन हैं, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो की जो भाषा थी, वीडियो की जो लैंग्वेज थी, वो आपको कैसी लगी, क्या आपको समझ में आया है, ये सब चीज़ें आप ज़रूर बताएं। इसी साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, जहाँ पर कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखेंगे।